प्रथम तहलका न्यूज। अंबाला कैंट में फीफा से अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है और 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस स्टेडियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान अनिल विज ने करीब 1 घंटे तक स्टेडियम के काम का निरीक्षण किया और इस दौरान काम की धीमी रफ्तार से अनिल विज कुछ खफा भी दिखाई दिए, जिसको लेकर अनिल विज ने जल्द ही अधिकारियों की बैठक लेने की बात भी कही। अनिल विज ने कहा कि ये स्टेडियम युवाओं के लिए एक सौगात है और यहाँ खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा होगी। विज ने कहा कि ऐसा स्टेडियम पूरे हरियाणा में तो क्या, शायद उत्तर भारत में भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बन रहे, फुटबॉल स्टेडियम है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, जिम्नास्टिक हॉल काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका है। आज इस सारों की प्रोग्रेस देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था और ये काम तेजी से चले, क्वालिटी का काम हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरा उतरे, उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है। सर, कुछ कमियां भी देखी आपने उसको लेकर बदलने के? अनेक कुछ हैं चेंजेस, मैंने मीटिंग बुलाई है, कुछ चेंजिंग है, जैसे स्विमिंग पूल में कुछ सुधार हैं जो चेंजेस करना चाहते हैं और उसी प्रकार से जो फुटबॉल का ये सिंथेटिक स्टेडियम बना है, सारे हरियाणा में कोई नहीं है, शायद उत्तरी भारत में नहीं है कोई, और ये फीफा अप्रूव्ड जो हम स्टेडियम यहाँ पर बनवा रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हुआ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो होने के लिए लोगों को असुविधा ना हो और खिलाड़ियों को असुविधा ना हो और सब प्रकार की उनको यहाँ पर सहूलतें मिलें। सर, कितनी लागत से इसको तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ पैसे? नहीं देखिए, ये जो फुटबॉल का है ये लगभग 100 करोड़ का हो जाएगा, उसी प्रकार से जो ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल है ये भी 25 करोड़ के करीब इसकी लागत आ जाएगी। जिम्नास्टिक का बन के तैयार हो चुका, पहले ही था, वो रेनोवेट करवाया हमने, नया सामान ला कर दिया है, सारा बिल्कुल लेटेस्ट, बाहर से विदेश से मंगवा के दिया सारा सामान खिलाड़ियों को, हर प्रकार की युवाओं को खिलाड़ियों को यहाँ पर सुविधा मिले वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसके सामने हॉस्टल बन के तैयार हो रहा है, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो अंबाला के युवाओं को बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर मिली। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में खिलौनों का जिक्र किया तो राहुल गांधी ने सवाल उठाए और कहा कि मुद्दा जेई और नीट का है, जिसका जवाब देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब राहुल गांधी के सामने कोई बात करेगा तो खिलौनों की ही बात करेगा, राहुल को तो खिलौने ही चाहिए। विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश की तकनीकी तौर पर आगे ले जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, जो कि 1947 में होना चाहिए था जब देश आजाद हुआ था, और आज मोदी जी ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने कभी ये नहीं सोचा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी नहीं सोचा। विज ने कहा कि जिसकी इतनी महान सोच है उन्हें राहुल गांधी जैसे बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है। राहुल गांधी के सामने तो अगर कोई बात करेगा तो खिलौने की बात ही करेगा, उसको तो खिलौने ही चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश को इतना आगे लेके जा रहे हैं, हर तरह से तकनीकी तौर पर देश को समृद्ध कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, जो काम हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 में सोचना चाहिए था वो आज आकर नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं सोचा, जिन्होंने 50 साल तक देश पर राज किया, कि हम आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाएं। तो जो व्यक्ति इतना महान सोच है जिसकी, जो देश को, तो उनको
राहुल गांधी जैसे बच्चों के बारे में भी सोचना ही पड़ता है। दरअसल हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार ही अम्बाला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। वो अचानक ही कभी पार्क में चल रहे काम का जायजा लेने पहुंच जाते हैं तो कभी सड़क निर्माण का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। तो वहीं अब इस कड़ी में अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का भी जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक लेने की बात कही। साथ ही राहुल गांधी द्वारा मन की बात पर उठाए गए सवाल का भी विज ने जवाब दिया। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।